और शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के बाद भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई अब मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं को इबादत का हक दिलाने की मुहिम पर निकली हैं। महिलाओं को इबादत का समान हक दिलाने के लिए तृप्ति को हाजी अली दरगाह पहुंच गई हैं। दो बार देसाई ने दरगाह में घुसने की कोशिश की। विभिन्न संगठनों ने भी हाजी अली पहुंचकर उनके पक्ष में प्रदर्शन किया। हाजी अली सबके लिए नारे लगाए गए, वहीं देसाई के खिलाफ भी आवाम पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। दरगाह के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। भूमाता ब्रिगेड की महिलाओं के साथ मार्च कर रही देसाई ने कहा है कि वो लोग दरगाह के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। उन्होंने बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों से इस मसले पर अपनी राय साफ करने की अपील की है। हम जो है वो सभी मुस्लिम महिलाओं की, लाखों मुस्लिम महिलाओं की ये मांग है, वो आंदोलन के माध्यम से रख रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे उनसे वही कहना है कि किसी की जान तक जाने के लिए मुस्लिम महिला हमारे साथ है, मेरे साथ ये मुझे मांग करने के लिए मुस्लिम महिलाएं आई थी, जिन्होंने PIL भी दर्ज की है, मुस्लिम महिला आंदोलन, वो मेरे यहाँ पे महिलाएं आई थी, सभी ने जो मांग की है कि हमें वहाँ पे प्रवेश मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए, तो ये सभी मुस्लिम महिलाओं की मांग है। और वो जो है वो मैं यहाँ पे आके रख रही हूँ। मैं जो हूँ आज तक पहली बार मैं कर क्लियर मैंने किया है कि आंदोलन का फर्स्ट स्टेज है, जहाँ तक महिलाएं जाती है वहाँ पे जाके दुआ मांगने वाले हैं, इसलिए दरगाह में आज प्रवेश करने वाले हैं। पहली बार जब हम वहाँ पे गए थे, शनि सिंगणापुर हो या त्र्यंबकेश्वर हो, वहाँ पे भी मैंने प्रार्थना की थी कि शनि भगवान से भी प्रार्थना की थी, महादेव जी से भी प्रार्थना की थी और हमारी मन्नत पूरी हो, ऐसा जो है वो एक दुआ जिससे बोलते हैं वैसे ये किया था। वैसे ही आज हाजी अली को तो बोला जाता है कि यहाँ पे अगर कोई दुआ मांगता है तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाता है, तो हमारी भी दुआ बिल्कुल सुनेंगे और हमारी भी मन्नत पूरी होगी। जहाँ तक मजार तक महिलाओं को प्रवेश 2011 से पहले था, वो फिर से मिले, इसलिए यही हमारा आंदोलन शुरू है। हमने जो है वो अभी आज तो देखेंगे, यहाँ पे दर्शन करेंगे, ट्रस्टी अगर होंगे उनसे बात करूंगी, नहीं तो भूमाता ब्रिगेड की तरफ से भी जो हाईकोर्ट में केस है उसमें भी जो है वो हमारे तरफ से जो है वो एप्लीकेशन दिया जाएगा कि जल्द से जल्द ये निर्णय हो और महिलाओं को न्याय मिले। जी हाँ, भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई का कहना है कि उन्होंने आज हाजी अली के दरगाह के बाहर जाकर के मांग की है, फरियाद की है कि उनकी भी जो दुआ है वो कबूल करेंगे हाजी अली और महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। तृप्ति देसाई ने यह भी कहा है कि वो पहली बार इस आंदोलन के लिए यहाँ पर पहुँची हैं और ये आंदोलन की शुरुआत है। फिलहाल ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो सिर्फ घुसने की कोशिश कर रही हैं और हाजी अली की दरगाह में जाने की कोशिश कर रही हैं। और हाजी अली दरगाह में महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही तृप्ति देसाई ने शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की मांग को लेकर चर्चा में आई थी। तृप्ति देसाई की अगुवाई में भूमाता ब्रिगेड के लगातार आंदोलन के बाद शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति मिली थी। इसके बाद तृप्ति देसाई ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भी प्रवेश करने में सफलता पाई। इतना ही नहीं, तृप्ति देसाई ने देश के हर उस धार्मिक स्थल पर आंदोलन करने की बात कही है जहां महिलाओं की एंट्री नहीं होती है। तो आपको बता दें कि तृप्ति देसाई ने अपनी मुहिम हर उस धार्मिक स्थल तक ले जाने की बात कही है जहां पर कि फिलहाल महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है या रोक लगी हुई है। तृप्ति देसाई ने यह भी कहा है कि हर उस धार्मिक स्थल पर आंदोलन करने जाएंगी वो जहां महिलाओं को नहीं प्रवेश करने दिया जाता है। और शनि सिंगणापुर मंदिर से तृप्ति देसाई को सफलता मिलनी शुरू हुई थी और महिलाओं को शनि सिंगणापुर मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिली। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर मुंबई से हमारे संवाददाता अमजद खान जुड़े हुए हैं। अमजद, आपसे जानना चाहेंगे क्या रहा आज पूरे दिन का घटनाक्रम। हाजी अली में तृप्ति देसाई ने हाजी अली दरगाह में घुसने की कोशिश की, पूरा जो पूरे दिन का घटनाक्रम रहा वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, तृप्ति देसाई सुबह में अपने घर से निकली और अपने घर से निकलने के बाद हाजी अली दरगाह
के अंदर जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ के जो ट्रस्टी और वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने वहाँ पर उनको बाहर ही रोक लिया, क्योंकि हाजी अली दरगाह जाने के लिए तकरीबन एक किलोमीटर का रास्ता है जो समुद्र के बीच में से जाता है, तो वो समुद्र के बीच में से जो गेट होता है, वो जो गेट है बाहर की तरफ का, तो वही तृप्ति दिशा की गाड़ी आई सुबह के टाइम पे रुकी है, तो वही उनको रोक लिया गया, उनको मना करा गया, क्योंकि दरगाहों में साफ तौर पर ये कहना है लोगों का, दरगाहों में औरतों का जाना मना है, हमारे इस्लाम में दरगाह के अंदर औरतें नहीं जा सकती, इसके लिए तृप्ति दिशा जी आपको हम अंदर जाने का मौका नहीं दे सकते। जी बिल्कुल अमजद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से संगठन ऐसे हैं जो तृप्ति देसाई और उनके संगठन भूमाता ब्रिगेड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया है, इसके साथ साथ एक और कोई संगठन, एक दो संगठन आए हैं जो तृप्ति देसाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मुहिम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे बहुत से समुदाय हैं, अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो बहुत से एनजीओ भी है जो इस चीज को फेवर नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आस्था का मामला समझते हैं, क्योंकि अगर दरगाहों की बात करें, अगर मुसलमानों की बात करें तो दरगाहों पे औरतों का जाना साफ तौर पर मना है, लेकिन कुछ महिलाएं कुछ दरगाहों पर जाती भी है, अगर अजमेर शरीफ की हम बात करें तो वहां पर भी एक हद दी गई है कि औरतें यहीं तक जा सकती है, बहुत सारी दरगाहें हैं जहाँ औरतों का जाना मना, बहुत सारी ऐसी दरगाहें भी हैं जहाँ औरतें जाती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाजी अली ट्रस्ट ने जो ये फैसला लिया था, ये बता दूं मैं आपको कि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, हाजी अली ट्रस्ट के अगेंस्ट में भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ संगठन ये भी मानते हैं कि औरतों को जाना, मतलब औरतों भी एक समान अधिकार है, उनको भी दरगाहों में जाना की इजाजत देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ बैलेंसिंग चल रही है, लेकिन विरोध का मामला बताए तो बहुत से ऐसे संगठन है जो इसके लिए मना करा जा रहा है। अमजद एक चीज़ और है कि हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाजी अली दरगाह का जो ट्रस्ट है उसके किसी प्रतिनिधि की तरफ से आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा है, चाहे तृप्ति देसाई की बात हो या भूमाता ब्रिगेड की बात हो, ये जो आज का घटनाक्रम रहा है इसके बारे में कोई बयान आया हो, कोई बात कही गई हो उधर से? जी बिल्कुल, उन लोग सीधी तौर पे एक ही बात कह रहे हैं कि जो हदबंदी करी गई है, दरगाह के अंदर जाना मना है, हाजी अली में आना मना नहीं है औरतों को, मैं आपसे पुष्ट कर दूं, हाजी अली के अंदर जाना, जो हाजी अली कैंपस है, जो एक पूरा मजार है, वो मजार के अंदर जाओ, उनकी कब्र है, उस प्रमाशिस में जाना औरतों का मना है, हाजी अली के अंदर औरतें जा सकती है, औरतें जाती भी है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस भी हाजी अली समुद्र किनारे ये दरगाह है, तो कहीं ना औरतें जाती भी है, लेकिन औरतों को एक हद बांधी गई है, जो मजार है उसके अंदर जाना मना है, तो कहीं ना कहीं वो एक हद बांधी गई है कि किस हद के आगे औरतें नहीं जा सकती, तो हाजी अली ट्रस्ट का तब साफ तौर पे ये कहना था कि हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, इसी के लिए हमने औरतों के लिए एक हद बना दी गई है कि इस हद के आगे औरतें नहीं जा सकती। जी अमजद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि हाजी अली दरगाह का जो परिसर है वहां तक तो लोग जा सकते हैं, लेकिन हाजी अली की जो दरगाह है वहाँ पर महिलाएं जाके ज़ियारत नहीं कर सकती, कोई धार्मिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश दरगाह पर दंगल में। जी हाँ, हाजी अली मुहिम पर निकली तृप्ति देसाई ने अपने आंदोलन के और तेज करने के लिए बॉलीवुड के तीन खानों से इस पर अपना नजरिया साफ करने की अपील की है। तृप्ति का कहना है कि अगर बॉलीवुड के तीनों खान इस मुहिम में शामिल होते हैं तो महिलाओं को उनका हक दिलाने में काफी असर पड़ेगा, इसलिए तृप्ति ने शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान से खुलकर आगे आने की अपील की। उन्होंने तर्क दिया है कि इससे मुस्लिम सोसाइटी पर अच्छा असर होगा। और उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश को लेकर उठे विवाद का समाधान धर्म गुरुओं से मुलाकात कर निकालने की बात कही है। यहां देखने वाली बात यह है कि शनि सिंगणापुर मामले में मायावती ने तृप्ति देसाई का समर्थन किया था। धर्म के जो कानून कायदे नियम है तो उनके ऊपर ये छोड़ देना चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसको लेकर बिना वजह पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, अशांति पैदा हो, तो वो मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है, तो ज़बरदस्ती उधर जाना तो ये अच्छी बात नहीं है, उनके जो धार्मिक गुरु हैं उनसे बात करनी चाहिए। हमारे साथ लखनऊ से पूरी बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं ईदगाह, लखनऊ ईदगाह से मौलाना खालिद रशीद फिरंगमहली। फिरंगमहली साहब, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि भूमाता ब्रिगेड के आंदोलन
को आप कितना सही मानते हैं? आज मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के उन्होंने वहां पर घुसने की कोशिश की है। देखिए, हमारे मुल्क के आईन और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने हर शहरी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखा है जी, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि दूसरे मजाहिब या किसी भी मजाहिब की जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको तोड़ने का किसी को इख्तियार हासिल है। इस वजह से जो अपने मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी रूह भी यही है कि हम आपके मज़हब की इज्जत एहतराम करें, आप हमारे मज़हब का इज्जत एहतराम करें, ना आप हमारे मज़हब के जो रूल रेगुलेशंस हैं या जो इबादत गाहों के रूल रेगुलेशंस हैं उसको तोड़ें और ना हम आपके रूल रेगुलेशंस आपकी इबादत गाहों के रूल रेगुलेशन तोड़े जाएं। ये जो मूवमेंट चल रहा है इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान एक कन्फ्यूजन और एक टकराव की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि हम समझते हैं मुनासिब नहीं है। खालिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हाजी अली दरगाह पर प्रवेश को लेकर महिलाओं का जो आंदोलन चल रहा है, क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि कई सारे मुस्लिम संगठन इसके विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई भी मज़हब हो उस मज़हब में लोग इबादत इस वजह से करते हैं कि हमें ऊपर वाले की, अल्लाह की, ईश्वर की, भगवान की, गॉड की रज़ा और मर्जी हासिल हो, उसकी खुशनुदी हासिल हो और वो हम पे ताकि अपनी रहमत के दरवाज़े खोलें। मज़हब इस्लाम में ये एक रूल ऑलरेडी बना हुआ है कि जाहिर सी बात है नमाज अगर कोई शख्स पढ़ता है, मर्द हो या औरत हो, वो इस वजह से पढ़ता है ताकि अल्लाह ताला हमें सवाब दे। औरतों के लिए यह है कि अगर औरतें अपने घर के अंदर नमाज अदा करती हैं तो उनको घर के अंदर नमाज अदा करने का ज़्यादा सवाब मिलेगा बजाय मस्जिद में नमाज अदा करने के। और मर्दों के लिए कानून है कि उनको घरों के बजाय मस्जिद में नमाज अदा करने पर ज़्यादा सवाब मिलेगा जी। तो बुनियादी मकसद है सवाब हासिल करना, वो जहाँ भी मिले इंसान को वहीं उस इबादत को अदा करना चाहिए जी। हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में औरतों को मस्जिद जाने की मनादी नहीं है। अगर वो मार्केट में गई हुई हैं, ऑफिस में हैं, नमाज का वक्त हो जाता है तो आमतौर पे औरतें हिंदुस्तान में भी मस्जिद में नमाज अदा करती हैं, उनको रोका नहीं जाता है। लेकिन इसको एक मुसलसल आदत बनाना और हैबिट बनाना मुनासिब नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश दरगाह पर दंगल में। आइए एक नज़र डालते हैं मुंबई के हाजी अली दरगाह के इतिहास पर। यह दरगाह 1431 में बनाई गई थी जो एक छोटे से टापू पर बनी है। मुंबई के वर्ली में समुद्र तट से करीब 500 मीटर अंदर बनी है ये दरगाह और दरगाह में मुस्लिम संत सैयद पीर हाजी शाह बुखारी की कब्र है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मूल रूप से पर्शिया के रहने वाले थे और हाजी अली पूरी दुनिया की सैर करते हुए 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। बताया जाता है कि पीर हाजी अली शाह ने इस्लाम के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया था और हाजी अली ने कभी शादी नहीं की। और लखनऊ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फिरंग महली साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा मौलाना साहब कि धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ पर महिलाओं के अधिकारों को कब तक रोका जाता रहेगा या उन पर बंदिश लगाई जाती रहेगी और ये कितना सही है? हम नहीं समझते कोई भी मज़हब और उसी तरीके से मज़हब इस्लाम भी औरतों को उनके राइट से, उनके हुकूक से किसी तरीके से महरूम कर रहा है, बल्कि जितने औरतों के हुकूक मज़हब इस्लाम में दिए गए हैं वो रोज़ रोशन की तरह आया है। मर्दों के बराबर और कई मामलात में मर्दों से ज़्यादा हुकूक उनको ऑलरेडी इस्लामी शरीयत ने दिए हैं जी। तो किसी भी शख्स को इस बात का इख्तियार नहीं है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने इख्तियार दिए हैं उसको हम औरतों से छीनें। ये और बात है कि जो माशरे में, जो सोसाइटी में जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं उन खराबियों के वजह से बाज जगह पर औरतों को वो हकूक नहीं मिल पा रहे हों, वो एक अलग बात है। लेकिन मज़हब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि मर्द और औरत के दरमियान कोई तफरीक बरती गई हो।
जी फिरंग मेली साहब, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भारतीय संविधान में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, तब धर्म के नाम पर उनके साथ भेदभाव करना और उनके अधिकारों पर रोक लगाना, बंदिश लगाना, क्या ये संविधान की अनदेखी नहीं है? हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने जेंडर इक्वालिटी को हम ये समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स में शामिल किया है, और न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि जेंडर इक्वालिटी इंटरनेशनल लॉज में भी शामिल है। इस वजह से किसी को भी अख्तियार नहीं कि जेंडर की बुनियाद पर किसी के साथ कोई तफरीक करे। जी। और हमारे मुल्क में जितने भी मजाहिब हैं, तमाम मजाहिब में और मजहब इस्लाम में भी औरत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है और वो किया जाता है। कोई एक आध वाक़या पेश आ जाता है, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो ब्लो अप किया जाता है वो मुनासिब नहीं है। जैसे कि मुसलमानों के यहाँ जो तलाक के मसले को ज़रूरत से ज़्यादा उठाया जा रहा है या उछाला जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बददयानती और बदनियती छलकती है जो कि मुनासिब नहीं है। इसीलिए बात हमने कही कि अगर आप कोई भी बात करें तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर होना चाहिए। जो लेटेस्ट फिगर आए हैं उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में 1000 जो शादियां होती हैं उनमें से सिर्फ 13 में डाइवोर्स और तलाक होती है जी। और उन 13 में तमाम कम्युनिटीज़ के लोग शामिल हैं, और जाहिर सी बात है उसमें मुसलमानों, उसमें जो मुसलमानों का रेशियो है वो मुश्किल से 1% है, और उस 1% में जो 3 तलाक के वाक़यात हैं वो 0.1% से ज़्यादा नहीं हैं। तो हम ये समझते हैं एक आज जो वाक़या पेश आता है उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे मुसलमानों के यहाँ तलाक के अलावा कोई बड़ा मसला ना रह गया हो। जी चलिए फिरंग मेली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुवार को मुंबई के हाजी अली दरगाह में भले ही नहीं घुसने दिया गया हो, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम भी पहले से किए गए थे और कई धार्मिक संगठनों ने उन्हें धमकी भी दी थी। फिलहाल अभी भी यक्ष प्रश्न यही है कि क्या तृप्ति देसाई महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के घुसने पर, मजार तक पहुंचने पर पाबंदी को लेकर वो अपनी जो मुहिम है उसे पूरा कर पाएंगी, या फिर जो तृप्ति देसाई का महिलाओं को अधिकार दिलाने का जो मुहिम है वो हाजी अली की दरगाह पर जाकर के रुक जाएगी। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप तो देखते रहिए ए टू जेड न्यूज़। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।